नमस्कार, आप देख रहे हैं जल शक्ति समाचार। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने संसद में वृक्षारोपण के जरिए जल संरक्षण का संदेश दिया है और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान का आगाज किया। देश में कई हिस्सों में जल संरक्षण के पुराने तौर तरीकों पर जोर दिया जा रहा है। इन तमाम खबरों पर नजर होगी आज हमारी, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने संसद भवन में लगाया पेड़, पर्यावरण संरक्षण के लिए की अपील। समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान की हुई शुरुआत। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लिया पानी बचाने का संकल्प। पाटन जिले की मीठी बावड़ी गांव ने कुएं के जरिए जल संरक्षण की दिखाई बांधी। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को संसद में एक पौधा लगाया और पॉल्यूशन क्विट इंडिया का नारा दिया, साथ ही साथ लोगों से पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आने की अपील भी की। भारत छोड़ो आंदोलन की बरसी के मौके पर राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने संसद भवन परिसर में एक पौधा लगाया और पर्यावरण संरक्षण का आह्वान किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने पॉल्यूशन क्विट इंडिया का नारा भी दिया। पॉल्यूशन क्विट इंडिया, पॉल्यूशन प्रदूषण क्विट इंडिया, द मोमेंट यू टेक केयर ऑफ स्वच्छ भारत, पॉल्यूशन इज आल्सो ऑटोमेटिकली टेकन केयर। उपराष्ट्रपति नायडू ने जरूल का पौधा लगाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान की सराहना की। वाकई पहले स्वच्छता अभियान, फिर जल संचय और अब पर्यावरण संरक्षण के जरिए ही प्रकृति को बचाया जा सकता है। इसके लिए जन भागीदारी की सबसे बड़ी भूमिका हो सकती है। दुनिया भर के मुल्कों में हो रहे जलवायु परिवर्तन को देखते हुए पर्यावरण को बचाने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने संसद भवन परिसर में भी पॉल्यूशन क्विट इंडिया का नारा दिया और पेड़ लगाकर लोगों से पर्यावरण को बचाने की अपील भी की। कैमरामैन एसएन मिश्रा के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। हर दिन 10 करोड़ लीटर जल बचाने का संकल्प लिया गया है। घर घर में बच्चों को बनाया गया है जल सुरक्षा का ब्रांड एम्बेसडर। विश्व की आबादी का 18% जनसंख्या का हिस्सा भारत में निवास करता है। 20% पशुधन भारत में है विश्व का, जबकि विश्व के पीने योग्य जल का मात्र 4% ही भारत के पास है। वैश्विक जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत का स्थान 128 देशों में 120वें स्थान पर है। आंकड़े हैं कि हर साल 4 अरब घन मीटर पानी भारत को उपलब्ध होता है, जिसका मात्र 1198 घन मीटर ही हम उपयोग कर पाते हैं और सिर्फ 300 BCM जल ही हम बांध और तालाब जैसे अन्य संसाधनों के जरिए बचा पाते हैं। देश के तकरीबन 1000 से भी ज्यादा ब्लॉक डार्क जोन में आ चुके हैं। ऐसे में जरूरत आज से प्रयास शुरू करने की है। 25 करोड़ लीटर पानी अगर विद्यार्थियों के माध्यम से बचाना प्रारंभ करते हैं तो केवल विद्यार्थी नहीं है, चेतना उसके परिवार तक जाती है। और यदि 1 लाख 25 करोड़ लीटर की जगह 100 करोड़ लीटर अगर परिवार में 4 भी सदस्य हैं, पानी अगर रोज बचता है तो मुझे लगता है कि देश में वाटर एबंडेंस की सिचुएशन होगी। हम पानी के रूप में जो है जन निश्चित रूप से एक जल सुरक्षा आने वाली पीढ़ियों को भी दे पाएंगे। जल संरक्षण मुहिम में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी साथ आ गया है। देश भर के तमाम स्कूलों में समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान की शुरुआत हुई है, जिसका लक्ष्य है 10 करोड़ छात्रों के माध्यम से हर दिन 10 करोड़ लीटर जल बचाना। बच्चे घर में जल संरक्षण के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। इसके अलावा मंत्रालय स्कूलों में इको क्लब बनाएगा, जिसके माध्यम से पेड़ लगाए जाएंगे और टपक पद्धति के माध्यम से पेड़ों को सिंचित किया जाएगा। इस तरह जल संरक्षण के साथ ही पेड़ों के संरक्षण की मुहिम भी शुरू होगी। स्वयं केंद्रीय मंत्रियों ने पौधा रोपण कर केंद्रीय विद्यालय में टपक पद्धति स्कीम की शुरुआत की। जो छात्र है वो अपने घर का ब्रांड एम्बेसडर बनेगा, जैसे वो स्वच्छ भारत अभियान में बना, ऐसे ही है वृक्षारोपण की दिशा में भी। यदि ये छात्र अपने जन्मदिन पर एक वृक्ष का रोपण करता है तो मैं समझता हूँ कि प्रति वर्ष 26 करोड़ वृक्ष लगेंगे।
जल संरक्षण से समर्पित व्याख्यान, कविताओं और गीतों को माध्यम बनाकर विद्यार्थियों ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। किसी ने सच ही कहा है कि पानी सोने से ज्यादा कीमती है, लेकिन प्यास लगने पर ही इसकी कीमत महसूस होती है। जरूरत है दुनिया में लोग इसकी कीमत को समझें। जल जीवन का आधार है और उसे ये बच्चे भी बखूबी समझते हैं, इसीलिए समग्र शिक्षा जल सुरक्षा इस महामुहिम के साथ ये बच्चे जुड़ चले हैं और इस मुहिम के साथ की समय के साथ साथ जल की आवश्यकताएं भी लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और ऐसे में जल को सुरक्षित रखना है तो उसकी शुरुआत जो है वो आज से ही करनी होगी और उसी को ये बच्चे चरितार्थ करते हुए दिख रहे हैं। कैमरामैन जगपाल के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़ दिल्ली। तो जल शक्ति समाचार में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।